आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। बलकेश्वर के श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज का पावन वर्षा योग चल रहा है। वर्षा योग में आचार्य श्री ने भक्तजनों को प्रवचनों के माध्यम से धर्म मार्ग पर चलने का संदेश दिया। बलकेश्वर के श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज का पावन वर्षा योग चल रहा है। वर्षा योग में आचार्य श्री ने भक्तजनों को प्रवचनों के माध्यम से धर्म मार्ग पर चलने का संदेश दिया। जैन धर्म के अनुसार भगवान अरहनाथ और मल्लीनाथ भगवान के बीच का जो शासन काल चल रहा था, उस शासन काल में एक घटना इस तरह से घटी कि ये पर्व सामने आ गया कि उस समय भगवान मल्लीनाथ भगवान अरहनाथ स्वामी के शासन काल में अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों का एक संघ था। ये कथा प्राय सबने सुनी होगी, हर साल सुनते हैं। और वह संघ सबसे पहले उज्जैनी नगरी आया हुआ था, लेकिन कई बार राजा और मंत्री सहधर्मी भी होते और विधर्मी भी होते, दोनों प्रकार के होते। तो जिस समय वह विधर्मी हो तब बड़ी संकट खड़ा हो जाता है। धर्म सभा में आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज ने रक्षाबंधन पर्व पर श्रावकों को प्रवचनों के माध्यम से धर्म रक्षा का संकल्प दिलाया और कहा कि आज के दिन सैकड़ों साल पहले मुनि श्री 108 विष्णु कुमार जी महाराज ने हिंसक राजा बलि से 700 मुनियों के प्राणों की रक्षा की थी। जब से जैन धर्म के लोग आज के दिन को धर्म रक्षा के रूप में मनाते हैं। द्रौपदी ने आकर के अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और श्री कृष्ण के हाथ में बांध दिया, और श्री कृष्ण ने जब हाथ में बांधा तो उस समय से हिंदू परंपरा में रक्षा बंधन का पर्व प्रारंभ हो गया कि हम भी आज से इस तरह का बंधन करेंगे। और वह बंधन परस्पर की एक दूसरे की रक्षा के लिए होता है। तो वह हिंदू परंपरा के अनुसार कि वह उन्होंने उनके पल्लू में वह साड़ी का पल्लू फाड़ करके और रक्षा वह उंगली पर बंधन बांधा था, तो उसके फलस्वरूप उन्होंने चीरहरण के समय उनको एक एक धागे का कर्ज वापस चुकाया। रक्षाबंधन पर्व पर बलकेश्वर जैन मंदिर में आयोजित इस विशेष धर्म सभा में आचार्य श्री के दर्शन कर अपना जीवन सफल बनाने के लिए शहर भर से श्रद्धालु जैन मंदिर पहुंचे। इस दौरान भक्तजनों ने कहा कि आचार्य श्री के प्रेरणादायी प्रवचनों को सुनकर उन्हें जीने की सही राह मिल रही है। आज सावन का जो पर्व है रक्षाबंधन, वो जैन धर्म के लिए विशेष पर्व है। आज के दिन ही 700 मुनियों की रक्षा विष्णु कुमार मुनि ने करी थी, जिस दिन से पूरी जैन समाज आज के दिन में रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार मुनि रक्षा को समर्पित करते हुए मनाती है। उसी श्रृंखला में आज का ये पावन पर्व बलकेश्वर में स्थित गंगे गौरी जैन मंदिर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बार मनाए के रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के आशीर्वाद से मुनि चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। हमारे आदित्य सागर मुनि को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारे गंगा गौरी में रक्षाबंधन पर्व पे आज श्री आदित्य सागर महाराज ने बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, सबका सम्मान हुआ और ऐसे अंताक्षरी का प्रोग्राम हुआ। जय जिनेन्द्र। हमारे भी श्री आदित्य सागर जी महाराज जी विराजमान है और यहाँ पर रक्षाबंधन पर श्री श्यामनाथ भगवान का निर्वाण लाड़ू महोत्सव मनाया गया, जो बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। श्री चंदा प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य श्री आदित्य सागर महाराज का चातुर्मास चल रहा है। ग्रेटर कमला नगर के सभी धर्म प्रेमी यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। आज रक्षाबंधन के उत्सव पर महाराज श्री ने रक्षाबंधन कथा का वाचन भी करके बताया कि रक्षाबंधन हम लोग क्यों मनाते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। तो उसके ऊपर महाराज श्री ने प्रवचन किए और सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के शांति धारा में भाग लिया। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज का ताज नगरी की धरा पर चल रहे पावन वर्षा योग को लेकर भक्त जनों में खासा उत्साह का माहौल बना हुआ है। आचार्य श्री प्रवचनों के माध्यम से श्रद्धालुओं को धर्म के मार्ग पर चलते हुए जीव और मानव दया का संदेश दे रहे हैं। सी न्यूज से अजय बहादुर की रिपोर्ट।